मेकअप और स्किन केयर के बारे में वीडियोस बना रही थी, तो उसी में मैंने उसी का ये मेरा अगला पार्ट है, पार्ट वन मेरे चैनल पर अपलोड है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उस पर मैंने कैसे ब्लीच करते हैं ये सिखाया है, और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि कलर कैसे करना है अपने बालों को। तो मेरे जो बाल हैं सामने थोड़े थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, इन्हीं को मुझे कलर करना है, और तो मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर लिया है, मुझे अपने बालों को ब्राउन करना था। मेरे जो बाल है वो ब्लैक कलर के हैं, गार्नियर का कलर नेचुरल, इसमें लिया है 8 वीक्स कलर लॉक, इसमें तो लिखा हुआ है लेकिन 8 हफ्ते तक टिकता है कि नहीं टिकता है देखते हैं। ये कलर लगाकर मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, करीब करीब 1 महीने तक रहता है ये कलर, और उसके बाद धीरे धीरे निकलने लगता है, और उसके बाद भी हल्का हल्का कलर दिखता है बालों पर, ऐसा नहीं कि आपके बालों पर नहीं दिखेगा लेकिन हल्का हल्का कलर दिखता है। तो कलर का नंबर है वो 5.32, तो इसके साथ में आपको क्या क्या मिलता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसे ओपन करते हैं हम लोग और देखते हैं, तो इसके साथ में आपको इस टाइप का एक ट्यूब मिल जाता है, तो ये एक क्रीम मिल्क क्रीम मिल जाता है आपको, और इसके साथ में एक कलरेंट है, तो दोनों को आपस में आपको मिक्स करना है और बराबर क्वांटिटी में लेना है। तो जितने लंबे आपके बाल हैं आप उस हिसाब से इसको ले सकते हैं, और दोनों को आधा आधा मिलाना है, और उसके बाद मिक्स करने के बाद इसको अपने बालों पर अप्लाई करना है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने देर तक आपको रखना है और कैसे कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या करना है, तो इसके साथ में इंस्ट्रक्शन भी मिल जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा इंस्ट्रक्शन, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ग्लव्स दिया हुआ है और आपको इसे अप्लाई करना है बालों पर, तो ग्लव्स लगाकर ही अप्लाई करना है आपको, और इसको आपको निकालना है एक कांच के या प्लास्टिक के बाउल में, और इसको आंखों के आसपास से दूर रखना है और बच्चों के पोंछ से दूर रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रश लिया है और ब्रश की सहायता से मैं इसे अपने बालों पर अप्लाई करूँगी, तो मैं इन दोनों को पहले निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ निकाल कर मिक्स करके। ये है क्रीम और ये किसी टाइप का दिखेगा, और इसे अच्छे से बंद करके रख देना है, और आप इसे कई बार यूज़ कर सकते हैं, आप जितनी बार चाहे उतनी बार लगा सकते हैं, छोटे बाल है तो कम लगेगा तो ज़्यादा बार आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये कलरेंट, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ उसमें, और ये कुछ इस टाइप का लगेगा, तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है देख सकते हैं आप, और इसे मैं इस ब्रश की हेल्प से मिक्स कर लूँगी। तो अगर आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, आप घर पे ही कलर करना चाहते हैं तो आसानी से इसे कलर कर सकते हैं, और इसमें और भी अलग अलग टाइप के कलर आते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो कलर ले सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, तो ये देख सकते हैं आप ये मिक्स हो चुका है, और ये मिक्स होने के बाद इस टाइप का दिखेगा, और जैसे ही आप अपने बाल पर अप्लाई करेंगे तो बाल पर अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर बाद उसका कलर भी चेंज होने लग जाता है, तो मैं आपको दिखाऊँ। और इसके बाद मुझे अपने बालों पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ पहले हाथ में, ताकि हाथ में ना लगे और इधर उधर कहीं ना लगे। ध्यान रखें कि आप कलर करते समय जो भी कपड़े पहने वो पुराने कपड़े पहने, क्योंकि आपके कपड़े में भी कलर लग सकता है। इस प्रकार से आपको पहन लेना है अपने हाथ में ग्लव्स, और इसके बाद से इसे अपने बालों पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मुझे जहाँ के बाल सफ़ेद दिख रहे हैं मैं वहाँ पर अप्लाई करूँगी, क्योंकि इसको अप्लाई करने का मेरा मकसद यही है कि मेरे जो सफ़ेद बाल है वो थोड़े से ब्राउन कलर हो जाए तो अच्छे दिखेंगे थोड़े से।
तो मैंने अपने बालों को सादे पानी से वॉश कर लिया है और उसके बाद आप चाहें तो कंडीशनर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। और इसे पानी से ही धोना है, शैम्पू से नहीं धोना है। मैं बाल सूखने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कलर कैसा दिख रहा है। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कलर तो हो गए हैं बाल, और सफ़ेद बाल तो एक भी नहीं दिख रहे हैं। और सूखने के बाद और अच्छे से पता चलेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है सूखने के बाद। तो फ्रेंड्स, कलर लगाने के बाद मैंने बालों को वॉश कर लिया है और अच्छे से सुखा लिया है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है बालों में, और बहुत ही अच्छा शाइनिंग और टेक्सचर आ जाता है बालों में आपके। आप इसे लगाते हैं तो अप्लाई करने के बाद, और क्योंकि इसमें क्रीम भी होता है और ये क्रीम बेस्ड कलर है, इसलिए आप अपने बालों पर अप्लाई करेंगे तो आपके बाल और भी ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप ये बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा सिल्की सिल्की से लग रहे हैं मुझे अपने बाल कलर करने के बाद। और ये बहुत ही अच्छा कलर है, अप्लाई करना इसे बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही सारी चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो और भी वीडियोस मैंने बनाकर रखे हुए हैं अपने चैनल पर, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और इसके आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो आप जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो पर। ओके, बाय फ्रेंड्स।